हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। सो गाइस, आज की कोई कुकिंग वीडियो नहीं है, ना तो कोई वैसी वीडियो। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, जो कि आज आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे इस जूसर को लेके, तो सारे डाउट मैं क्लियर कर देने वाली हूँ। अगर आपका मन हो लेने के लिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये मैंने मंगाया है जूसर, जो कि बोरोसिल कंपनी का है। वैसे तो किसी अगर वेबसाइट से आप परचेस कर रहे हैं तो 4,500 के समथिंग है। वैसे हमने तो ऑन मार्केट से लिया है, तो ये मुझे 3,500 का पड़ा है। अब देखते हैं वर्क कितना करता है, सही से वर्क करता है कि नहीं, या सही है कि नहीं। वैसे मुझे ये 2 साल की वारंटी के साथ मिला है। अगर इसमें कोई भी फॉल्ट वगैरह आता है तो इसको हम रिटर्न भी कर सकते हैं, या उस सर्विस से बुला के उसमें सर्विस भी करवा सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। इसके साथ मुझे मिले हैं 2 बड़े से ग्लास प्लास्टिक के। तो अभी मैं निकालने वाली हूँ मौसम्मी के जूस। अभी मेरे पास एक मौसम्मी रखा है, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ ये सही से वर्क करता है कि नहीं। आज मैं भी पहली बार इसको ट्राई कर रही हूँ, इसके पहले कभी नहीं ट्राई किया था। लेके रखा गया था 1 हफ्ता पहले, पर ट्राई पहली बार करूँगी। तो चलिए अभी मेरे पास एक मौसम्मी है, इसमें डाल के ट्राई करती हूँ। वैसे तो आज 2 तरह के जूस निकालने वाले हैं, एक तो पहले अभी निकालने जा रहे हैं मौसम्मी का, और दूसरा निकालेंगे चुकंदर एंड गाजर का। तो पहले मौसम्मी का निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना वर्क करता है, सही से वर्क करता है कि नहीं, और क्वालिटी बेसिस क्या है इसकी। वैसे तो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना। इसके पहले मैंने एक और मंगाया था, बट वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया और अच्छे से वर्क भी नहीं करता था। इसको साफ़ करना भी बहुत आसान है। इसके ऊपर के सारे पार्ट को आप खोल के अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि एक तरफ से जूस निकलेगा और दूसरे तरफ से जो जूस वगैरह हम निकालेंगे उसके रेसे सारे निकल के बाहर आएंगे। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा इसकी क्वालिटी में, कि मतलब हमें इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आसानी से जूस भी निकाल सकते हैं और इसके रेसे वगैरह भी निकाल सकते हैं, और बहुत आसानी से इसको साफ़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर के होल में हम डालेंगे फल, जो मैंने अभी मौसम्मी साइड में रखा हुआ है। तो सारी मौसम्मी को डाल के अच्छे से बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद ये अपने आप वर्क करता है, मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस इसमें जो जिसका जूस मुझे निकालना है उसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दी हूँ, और ऊपर से दिया है एक ढक्कन जैसा, तो उसे थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा मुझे, ताकि आसानी से जूस बाहर निकल आए। मुझे जूस पीना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरा बहुत दिनों से मन था, तो सोचा कि फिर ली हूँ तो आपके साथ शेयर भी करती हूँ। हो सकता आपका भी मन हो मेरी तरह लेना चाह रहे हो, या ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर लेना चाह रहे हो तो आज की वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप बेझिझक जाके ले सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से वर्क कर रहा है। इसमें मैंने मौसम्मी को डाल दिया और एक तरफ से मौसम्मी के सारे रेसे बाहर निकल आ रहे हैं, दूसरी तरफ से जूस निकल के बाहर आएगा। तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी बेसिस भी बहुत अच्छी है। अगर आपको लेना हो तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। ये देख सकते हैं कितने आसानी से निकल रहा है। बहुत आसानी से जूस निकल के बाहर आ गया है। अब जितना मौसम्मी था उतना ही जूस निकलेगा। यहाँ देखिए बहुत थोड़े से जूस निकल के आए हैं, बट एक ही था तो वो थोड़ा ही निकलेगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इसकी सर्विस। अब आपको कैसा लगा कमेंट में बताना पड़ेगा आपको। तो आपको इसको साफ़ करना भी बहुत ईजी है, बहुत आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं आप। इसको साफ़ करना बहुत झंझट नहीं है, मुझे तो यही साफ़ करनी सबसे झंझट। तो चलिए फिर अब हम दूसरा जूस निकालना तैयार करते हैं। या मैंने गाजर एंड चुकंदर को बहुत बारीक में कटिंग कर लिए हैं, बहुत बारीक नहीं कटिंग की है, बहुत 2 पीसेस में कटिंग कर लिए हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालें, आप चाहे तो थोड़ा सा और बारीक कर लीजिए। अभी हम देखते हैं कि अगर मुझे थोड़ा सा दिक्कत आएगा थोड़ा सा और बारीक कर लेंगे। डालना स्टार्ट करते हैं इसमें।
तो फाइनली गाइस जूस निकल के बाहर आ गया और कचड़ा भी बाहर आ गया है। इसको साफ कर सकते हैं ऊपर से खोल के, बहुत आसान है इसको। तो हमें इसकी सर्विस बहुत अच्छी लगी और हमें तो ये बहुत अच्छा जूसर लगा। इसके पहले मैंने मंगाया था तो वो मुझे उतना सही नहीं लगा, बट हमें ये बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। तो आई होप हमारा प्यारा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक नई वीडियो में।